नमस्कार मित्रों, आरबी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज देखते हैं एसएससी जीडी मैथ का क्वेश्चन जो इस समय आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है, 44 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? 44 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो आइए देखते हैं कि इसमें जो है कि लाभ बराबर होता क्या है। तो लाभ बराबर आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस होगा क्रय मूल्य। तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है? 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय कितना किया जा रहा है? तो 44 वस्तुएं बेचने पर माइनस क्रय मूल्य, जितना वस्तुएं आप खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे, इसलिए यहाँ 44 जो है इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ अगर 44 को इस पक्ष में लाएंगे तो 11 और 44 दोनों जुड़कर कितना होगा? तो आप कहेंगे 44 में 11 जोड़ देंगे तो यहाँ 55 ये क्रय मूल्य होगा। 55 जो है सीपी हो जाएगा और बराबर ये 44 एसपी। यहाँ देखते हैं तो बटा में अगर एक मान लेते हैं तो इस एसपी को नीचे आता है तो ये सीपी बटा में एसपी हो जाएगा। इधर अगर अपान एक नंबर मान लेते हैं इधर तो ये 44 तो है ही है, बटे में ये नंबर जो है इधर हो जाएगा तो बटे में 55। यहाँ देखेंगे तो ये क्या है तो कटा देंगे 11 चौक 44, 11 5 55। इसका मतलब 4 की वस्तु अगर आप 5 में बेचते हैं तो लाभ कितना होगा? तो 5 में से अगर 4 कम कर देंगे तो 1 होगा। तो 1 क्या होगा? तो 1 ये प्रॉफिट होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना है? 1। और कितने पर लाभ हानि होता है? तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? ये 4। अब ये 100 करेंगे 100%, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 × 8 = 20। तो ये जो लाभ प्रतिशत होगा इसका 25% होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप 11 और 44 है, 11 × 44 1/4 इसी तरह दिखाई दे रहा है, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? तो आप समझ सकते हैं कि 1/4 का परसेंटेज वैल्यू जो होगा 25%। आते हैं देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है। x - y² और x + y² का मध्यानुपात क्या? आइए देखते हैं अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है। x - y² दे रहा है और एक नंबर x + y² दे रहा है और इसका कह रहा है मध्यानुपात क्या। तो यहाँ अनुपात मान लेंगे मध्य में इधर भी x है और इधर भी x है। तो इन दोनों का अगर मान लेते हैं कि मध्य में x है तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² बन जाएगा। और इन बाहर से बाहर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा तो आप कह सकते हैं x - y² (x + y). अगर इस स्क्वायर को हटा देते हैं, x की वैल्यू कहते हैं मध्यानुपात, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। और जब ये अंडर रूट में आ जाएगा तो इस अंडर रूट को हटाना चाहते हैं तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा दोनों का। तो ये ही मध्यानुपात x का वैल्यू x - y और x + y होगा, जो कर सकते हैं ये वर्गांतर का सूत्र है तो x² - y² यही इसका करेक्ट। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला नंबर जो है चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, जिसको हम देखते हैं।
अगला नंबर है 15% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई राशि 26,450 रुपया हो जाती है तो वह राशि क्या है। राशि पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। इसका मतलब यहाँ आर दिया हुआ है कितना है 15%, समय दिया हुआ है कितना 2 वर्ष, और यहाँ अमाउंट मतलब मिश्रधन दिया है 26,450 रुपया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन क्या। तो सबसे पहले इस 15% को पकड़िए कि 15% को आप लिख क्या सकते हैं, तो 15% को हम 3/20 लिखते हैं। ये 3, ये 20 है, ये 3 है, 20 से अगर 3 मिला देंगे, ये 3 प्लस कर देंगे तो ये 23/20 हो जाएगा। और ये 2 वर्ष के लिए है तो हम इसका पावर 2 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 23 का स्क्वायर 529 और 20 का स्क्वायर कितना 400। अगर ये अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, तो इस प्रिंसिपल से आपका प्रिंसिपल से तुलना कर लीजिए तो 529/400, ये 529 अमाउंट है, अमाउंट के बराबर यही कितना दिया है 26,450, तो लिख सकते हैं 26,450। इसका कितना गुना होगा, तो यहाँ 5, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, 9 × 5 = 45 और 1 0 है, तो 9 × 5 = 45 और ये 5 × 10 और 4 = 14, 5 × 5 = 25 = 26। इसका मतलब इसका 50 गुना इतना अमाउंट आ गया। तो जिस प्रकार से इसने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो इस 400 में हम क्या करेंगे 50 से गुना, 1, 2, 3 0 है तो 3 0 तो रहेगा ही, अब 5 × 4 कितना होगा 20 होगा, तो हम कह सकते हैं वो अमाउंट कितना होगा 20,000, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा, जो अमाउंट नहीं वो प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल कितना होगा 20,000। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 10 संख्याओं का औसत 89 है, इनमें से एक संख्या 35 है, तो 9 संख्याओं का औसत क्या। आइए देखिए 10 संख्याओं का औसत बता रहा है, इसका औसत कितना है 89। तो आखिर बताइए 10 संख्या का औसत नहीं, वो 10 संख्या का अगर हम योग कहेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे कि इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 890 होगा। ये 10 संख्या में से अगर एक संख्या निकाल दिया जाए तो यहाँ 9 संख्या होगा, और 9 का योग कितना हो जाएगा, तो इसमें एक संख्या जो दिया है 35 इसमें से कम कर देंगे तो कितना होगा 5 होगा 855। ये 9 संख्या का योग 855 है, तो औसत कितना होगा 9 का, तो 9 का औसत देखेंगे तो ये हो जाएगा 855 और बटे में क्या होगा 9 हो जाएगा, तो ये देखेंगे तो 9 81, यहाँ 9 का 9 बार टेबल पढ़ेंगे 81, 4 × 45, 9 × 5 = 45, तो इसका औसत कितना होगा 9 संख्या का निकालने के बाद 95, जो कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं आखिरी नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं ये क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये उम्मीद भी नहीं करते थे कि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो कि आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और इन 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 54 है, इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि यह सूत्र हुआ करता है कि 10 अपने वर्ष बराबर क्या होगा, तो आप प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या होगा, तो ये प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या क्या हो सकता है,
तो लसा दिया है आपका कितना 54, मसा कितना दिया है 6, तो इन दोनों संख्याओं का अगर गुणा कर देंगे तो ये 6 × 4 = 24, 5 × 6 = 30 और तो कितना होगा 32। लेकिन ये तो दो संख्या का गुणनफल आ गया, आपसे पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। और इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल 18 होगा, जो कि आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल तीसरा नहीं दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है 18। इसी के साथ ये क्लास हमारा आज का समाप्त होता है। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।